हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज बताने वाला हूँ आपको कि आपके आजू बाजू में जो ड्रीम स्टीलर्स है उसके बारे में। ड्रीम स्टीलर मतलब सपना चोर, आपके सपने चुराने वाले लोग। क्या होता है कि आप आपका ड्रीम तैयार करते हैं, आपके कुछ गोल्स है, आपके कुछ वांट्स है, उसको आपने लिख के रखा हुआ है। आप मालूम है कि आपको ये कर सकते हैं, उसके प्रति आप काम भी कर रहे हैं, मगर आपको ये पता है कि आपको ये भी पता है कि आप ये कर सकते हैं, मगर आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो बहुत निगेटिव लोग भरे हुए हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग भरे हुए हैं। उसको हम बोलते हैं ड्रीम स्टीलर्स, सपने चोर। वो आपको क्या बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मत करो, इससे अच्छा ये करो, ये आसान है, ये हो जाएगा, तू ये नहीं कर सकता। मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग आपके आजू बाजू में जो होलसेल में घूम रहे हैं वो आपको आपके सपने से दूर भगा के लेके जाएंगे या दूर हटा देंगे। फिर आपका सपना जो है वो आप छोटा कर लेंगे, क्योंकि बार 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 नकारात्मक यदि लोग आपके सामने आते हैं और आपको सुनाते हैं नहीं होता नहीं होता नहीं होता, तो आपको भी लगना चालू होता है कि नहीं होगा ये। तो ये नकारात्मक सोचने वाले जो लोग हैं उनको कभी सुनने का ही नहीं, वो ड्रीम स्टीलर्स हैं। मैं काफ़ी मेरे लेक्चर में भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि क्या था, एक गांव में दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते 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 एक था एक 5 साल का और एक दूसरा था करीब करीब 8-9 साल का, 10 साल का। वो खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए और बाहर गांव के बाहर एक बावड़ी थी, एक कुआं था, काफ़ी सारा उसमें पानी था। और खेलते खेलते क्या हो गया कि वो बड़ा वाला जो बच्चा था, काफ़ी मोटा सा था वो, तो वो अंदर गिर गया, नीचे गिर गया, बावड़ी में कुएं में गिर गया। तो छोटा वाला जो था 5 साल का वो चिल्ला रहा चीख रहा कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ, मगर वो कुआं गाँव के बाहर था, उनको कोई बचाने वाला था नहीं। तो ये उसको दिखा कि कुछ नहीं है, तो उसने तुरंत वहाँ एक बकेट थी उसको रस्सी बांध लिया और वो बकेट नीचे अंदर छोड़ दिया कुएं में। वो जो नीचे गिर गया था उसने वो बकेट को पकड़ लिया और बकेट को पकड़ के उसने ऊपर वाले ने उसको जोर जोर से ऊपर खींच लिया, उसकी जान बच गई। जब ये दोनों गांव में वापस आया तो बोलने लगे कि भाई ये बड़ा वाला गिर गया था, मैंने उसकी जान बचाई। तो गांव के जो लोग थे उनके घर वाले थे बोले कुछ तो भी बक रहे हैं, ऐसा हो ही सकता नहीं कि छोटे वाला बच्चा इतने बड़े वाले बच्चों की जान कैसे बचाएगा, वो तो बहुत हेफ्टी था, उसको कैसे बाहर निकालेगा। तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था, काफी बूढ़ा सा व्यक्ति, वो बोलने लगा कि नहीं ये हो सकता है, ये संभव है। तो गांव वाले बोले कि चाचा आप कैसे बोल रहे कि ये संभव है करके। बोले ये इसलिए हो सकता है कि छोटे वाले को ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये कर नहीं सकता, तू ये कर नहीं सकता। होता क्या है कि हम तो फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस्ड है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी चाहत भी बहुत है कुछ करने की, मगर हमारे आसपास में जो लोग घूम रहे हैं जो बोलते हैं कि तू ये कर नहीं सकता, तो वो हमको पीछे खींचते हैं। अच्छा, समझो वो लोग गायब हो गए और समझो वो लोग नहीं है, सेकंड के लिए समझ लो कि वो लोग नहीं है, तो और कोई व्यक्ति जो अपने कंधे के ऊपर बैठा हुआ है वो है आप खुद। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये संभव नहीं है, मेरे से ये होगा नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत गधा हूँ, मेरे को कोई अकल नहीं है, मेरा तो लक ही खराब है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं तो फेलियर हूँ। ऐसे काफ़ी सारे जो विचार अपने मन में चालू रहते हैं वो भी विचार अपने को पीछे खींचते हैं। तो आप आपके विचारों से भी प्रभावित न होते हुए और लोगों के विचारों से भी प्रभावित न होते हुए आपको जो चाहिए वो आपने सामने रख के यदि वो ड्रीम स्टीलर्स को ना पूछते हुए, ड्रीम स्टीलर का न मानते हुए उनके लिए बहरा होना पड़ता है। यदि आपको कुछ करना है ना तो आपको बहरा होना पड़ेगा, सुनना नहीं है लोगों की, क्योंकि ऐसा है कि आपका ड्रीम तब बड़ा है, तब बड़ा माना जाएगा कि आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा गोल है, ऐसा तब माना जाएगा जब आप 5 लोगों को बोलते हैं और पांचों लोग आपके ड्रीम को सुन के हंसते हैं। तो टेस्ट है, टेस्ट कौन सी है कि आपने लोगों को बोलना कि मेरा ड्रीम है और लोगों ने बोलना चाहिए, हंसना चाहिए कि इतना बड़ा ड्रीम कैसा संभव है, पागल है तू, तो
तो आपका ड्रीम सुन के यदि 5 लोग आपको पागल बोलते हैं, ये पागलपन की निशानी है, इतना बड़ा ड्रीम तू कर नहीं सकता, समझ जाना कि अपना ड्रीम बहुत बड़ा है। ऐसा बोला जाता है कि लो एम इज अ क्राइम, छोटा उद्दिष्ट जो होगा, छोटा ध्येय जो होगा ना, छोटा गोल जो होगा वो क्राइम है, गुनाह है। तो बड़ा उद्दिष्ट लो, बड़ा गेम लो, बड़ा गोल लो और उसमें फेल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा गोल लेना और उसको हासिल करना, इससे कभी भी अच्छा है कि बड़ा गोल लो और उसमें असफल रहो, उसमें फेल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप जब बड़ा गोल लेके फेल हो जाएंगे, वो छोटा गोल जो है ना उससे कभी भी वो अच्छा रहेगा। तो आप अपनी सुनो, आपको क्या करने का है, और जो आपको करने का है, जो आपको सामने दिखता है, तो भविष्य के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए भविष्य से उसको देखो, कभी भी अतीत से उस प्रभावित ना हो जाओ। हम क्या होता है कि अतीत से प्रभावित हो जाते हैं कि मुझे ये जमेगा नहीं क्योंकि मुझे ऐसा अतीत में जमा नहीं था, यह ऐसा हुआ नहीं था, मैं ये कर क्यों सकता नहीं क्योंकि मैं पिछले बार फेल हो चुका था। तो वो अतीत है, वो भूतकाल है, उसको सामने मत लाना। और हमने आगे देखना है, सामने देखना है, भविष्य में देखना है, और वहाँ खड़े रह के मैंने आज क्या करना चाहिए वो हम यदि देखते हैं, उस वहाँ से प्लानिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आज से एक ही काम करना है कि ड्रीम स्टिलर्स जो है, सपने चोर, उनको सुनने का नहीं है। और अपने आप को, जो अंतरात्मा की आवाज़ बोलते हैं हम, अंतर्मन की आवाज़ जो बोलते हैं, जो निगेटिव आवाज़ है, नकारात्मक आवाज़ जो चल रही है अंदर, निगेटिव विचार जो चल रहे हैं अंदर, मैं छोटा हूँ, गधा हूँ, अक्ल नहीं है, सब बाजू में रखना है। जो करना है उसके लिए कृति करना चालू करना है। बहुत सारे लोगों को सफलता चाहिए, बहुत सारे लोग सफलता के पीछे है, मगर उनको ये मुझे अभी बात कहीं वो मालूम ही नहीं है, लोगों के कहने में वो दब जाते हैं। जरूर उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ अटके हुए हैं, वो बड़ा गोल क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर ये सब्सक्राइब करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।